स्विट्जरलैंड सरकार ने सूचना साझा करने की स्वचालित व्यवस्था के तहत भारत सरकार को स्विस बैंक में भारतीय खातों की जानकारी सौंपी है। तमाम जद्दोजहद के बाद भारत को स्विस खातों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी है। अब सरकार इन जानकारियों की पड़ताल कर रही है ताकि ब्लैक मनी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि मिली जानकारी में कई ऐसे खाते भी हैं जो कार्रवाई के डर से बंद किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक स्विट्जरलैंड से मिली जानकारियां मुख्य रूप से बिजनेसमैन और NRI से जुड़ी हुई हैं। बैंक अधिकारियों ने माना है कि जब से स्विस बैंक खातों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है, तब से पिछले कुछ सालों में इन खातों से बड़े पैमाने पर पैसे निकाले गए हैं और कई खाते बंद भी किए गए हैं। बैंक अधिकारियों के मुताबिक भारत को मिली जानकारी में हर उस खाते में लेन देन का पूरा डिटेल दिया गया है जो 2018 में एक भी दिन सक्रिय रहे हों। ये डेटा इन खातों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ ठोस मुकदमा तैयार करने में सहायक साबित हो सकता है। भारत के साथ लंबे कानूनी दाव पेचों के बाद स्विट्जरलैंड इन सूचनाओं को साझा करने को तैयार हुआ है। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा दी जा रही जानकारियां मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं: खाता धारक की पहचान, खाता संख्या और वित्तीय लेन देन। इन खातों के सियासी कनेक्शन पर भी खास निगाह रखी जा रही है। उन खातों की जांच संजीदगी से की जा रही है जिसका राजनीतिक लिंक सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।